यशोमती मैया के नंदलाला। देखो मैया, जैसा व्यापारी ने कही थी, सारा दूध दही माखन सकट में रख दियो है। तो अब क्या मुहूर्त निकालूं? जब बुला मेरे लल्ला को। ओ उज्जवल के बाबा, ध्यान से सुन भानु, इसे लेके ना मथुरा जानो है, पतो है। और अग्रिम धरना जी वो भी तो लेके आनी है ना। यही बात तो हुई थी ना व्यापारी जी से। चिंता मती कर, भानु नाम है मेरो। भानु बिना धन ले लौटेगो ना। हे नारायण, मथुरा में सब अच्छा हो इनके साथ। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव नंदराज, हमने सुना है कि श्री नारायण की कृपा से आपको एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आपको पता चल गो महाराज, बस नारायण की कृपा है। महाराज आप घर पधार कर हमारे बालक को आशीर्वाद दें और हमें कृतार्थ करें। क्षमा चाहूंगा नंदराज, मैं आपके घर नहीं आ सकता। मेरा अर्थ है, आज हम आपके घर नहीं आ सकते। आज एकादशी है और प्रभु नारायण की कृपा से मुझे उसका अनुष्ठान करना है। पता है नन्ना, आज एकादशी है, आज के दिन आशीर्वाद मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। एकादशी, तब तो हर बार की तरह नारियल के बड़े बड़े लड्डू बनाओगे ना मैया? ना लल्ला, लड्डू बनाने का समय ना है मेरे पास। ब्राह्मण देवता आते ही होंगे, बड़े कार्य शेष है। वो अनुष्ठान आप हमारे घर कर लीजिए। आप तो जानते ही हैं नंदराज, शुद्धता का मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। किसी दूसरे के घर में अनुष्ठान करना मेरे लिए संभव नहीं। महाराज मैं पूजा घर में सारा प्रबंध कर दूंगा, छोटा ही सही पर मंदिर तो वो भी है। वहाँ आप अपने सारे नियम और विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एकादशी की इस पुण्य तिथि पर मेरे बालक को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। उस बालक से तो मैं भी मिलना चाहूंगा, उस बालक से तो मैं भी मिलना चाहूंगा। ठीक है नंदराज, अगर श्री नारायण की यही इच्छा है तो हम उनका अनुष्ठान आपके घर पर करेंगे। लेकिन आपसे विशेष निवेदन है। जी महाराज। कि पूजा घर की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। जी। क्या हुआ प्रभु, आप व्याकुल हैं? हाँ मुरली मैया, इतना कार्य करके पहले ही थक गई है और अभी ने पूजा घर भी इन्हें फिर से स्वच्छ करना पड़ेगा। अब बस चौबारा बहुना शेष है। आइए, सुख और ऐश्वर्य की नगरी मथुरा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने कहा था व्यापारी जी, हम अपना सारा का सारा दूध दही घी मक्खन सब लेकर आ गए। बस आप इन्हें स्वीकार कीजिए और अगली बार के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान कीजिए। अग्रिम धनराशि? इतनी शीघ्रता क्या है, पहले आप मेरे स्वामी से तो मिल लीजिए। पर व्यापारी जी, हमारी बात तो आपसे निश्चित हुई थी। हाँ हाँ, वहाँ व्यापार का स्वामी मैं था, लेकिन यहाँ मथुरा में स्वामी वो है, मेरे भी और व्यापार के भी। हे
मैया मैं आपकी सहायता करूं? ना लल्ला, तू जाके बैठ। मैया माखन खा के बहुत शक्ति आ गई है, अब से आज्ञा पूरा ना कराऊंगा। सच्ची? अब तू छोटा है लल्ला, बड़ा हो जा फिर सहायता करना मैया की। छोटा हूँ तो छोटा छोटा कार्य कर सकता हूँ ना मैया। अच्छा ले और पौधों में जल डाल दे। इतना सारा कार्य अकेले करोगे तो थकान से तन टूट जाएगा। आज कोई गोपी भी ना आ रही इनकी सहायता के लिए। अब इस घर में प्रवेश उसी को मिलेगो जो साक्ष्य लेकर आए। ना अभी गई तो यशोदा भाभी डांट कर भगा देंगी। उनके क्रोध का सामना करने की हिम्मत ना है मुझमें। ना ना लल्ला की शिकायत करनी हो सब दौड़ी दौड़ी आती है। मुझे सहायता की आवश्यकता है तो कोई पूछने भी ना आ रही। ये कैसी विडंबना है प्रभु, मैया बुलाना चाहती हैं पर बुला नहीं पा रही और गोपियाँ आना चाहती हैं पर आ नहीं पा रही। चिंता मत करो मुरली, अब देखो क्या करता हूँ मैं। जानकी कान्हा ने बुलायो मुझे। कान्हा तूने पुकारो मुझे। किसी ने किसी को ना पुकारो है यहाँ। ना भाभी मुझे ऐसा लगो जैसे कान्हा ने मेरा नाम लेके मुझे बुलायो। मति भ्रष्ट हो जाए ना तो ऐसे ही लगतो है। भाभी क्रोध छोड़ दो ना, कितने दिन हो गए कान्हा से मिले बिना, बहुत स्मृति आती है उसकी। अच्छा कान्हा की स्मृति आती है और भाभी के जो आगे पीछे घूमती थी मेरी स्मृति ना है कभी। नाना भाभी आपको भी रोज स्मरण करती हूँ मैं सच्ची। अब बस बातें मत ही बना, सब पता है मुझे। माखन चुराने की कथा तूने ही फैलाई है, तुझे तो घर में प्रवेश ही ना मिलेगी, तेरा यही दंड है। चाहे कोई माने या ना माने पर तू तो सत्य जानतो है ना कान्हा, कछु करना। अब देख क्या रही है, जा यहाँ से। भैया जानकी ने मुझ पे आरोप लगायो है, मैं दंडू इसे। हाँ हाँ लल्ला तू ही दे। तुम्हारा दंड ये है, जब तक कनौ फलामन वापिस ना चले जाते तुम्हें हर कार्य में मेरी मैया की सहायता करनी होगी और अधिक श्रम वाले सारे कार्य तुम्हें ही करने होंगे। बोलो दंड स्वीकार है? हाँ हाँ स्वीकार है। मैं दंड दे रहा हूँ तुम हंस रही हो। हाँ स्वीकार है। भाभी क्षमा कर दो ना। जा टोकरी लेके आ, मैं लगा रही हूँ। वाह प्रभु एक ही तीर से दो लक्ष्य साध लिए आपने, मैया की सहायता भी हो गई और घर में जानकी का प्रवेश भी हो गया।